हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अनुपमा। तो बच्चों, आज हम आपके पास एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम एक कुछ नया सिखाएंगे। एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसका थीम है मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक के क्वेश्चन क्लास फिफ्थ में आते हैं, तो आज हम मैजिक ट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 to 19। रूल, द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। तो इसमें बताया गया है कि एक स्क्वायर बनाना है जिसमें नंबर्स होने चाहिए 21 to 29 तक, और उसका एक रूल फॉलो करना है जिसमें सारी साइड्स का टोटल 75 शुड बी देयर। ओके, तो चलिए सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बहुत इजी वे में बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। वी विल मेक अ स्क्वायर। इसमें हमारी एक डिजिट दी गई है 25। क्वेश्चन है जिसमें 25 हमारी डिजिट है, जिसमें ये साइड, दिस साइड, इन सब का टोटल, ये बोला गया है, शुड बी 75। तो इन सब का टोटल 75 होना चाहिए, चाहे तो हम इधर से करें या इधर से करें। इसको इस तरीके से हम इसको बोलते हैं रो, और इस तरीके से हम जब करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम्स। तो रो एंड कॉलम शुड बी इक्वल इज 75, इक्वल टू 75। तो आपको ये सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका, कि हमारा 75 आंसर किस तरीके से आएगा। और हमको नंबर्स शुड बी यूज्ड ओनली 21 to 29। तो हम इस ये नंबर्स को लिख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो दीज नंबर्स आर देयर। तो इन नंबर्स में ही हमको ये यूज़ करना है, यहाँ नंबर्स हमको फिल करनी है। तो इसको सॉल्व करने का एक इजी टेक्निक है, हम यहाँ ऊपर कॉर्नर पर प्लस वन करेंगे और इस साइड कॉर्नर पर हम माइनस वन करेंगे, इस कॉर्नर पर हम प्लस थ्री करेंगे, इस कॉर्नर पर हम माइनस थ्री करेंगे। तो आपको इसमें यही एक लर्न करने की चीज़ है, प्लस वन माइनस वन, प्लस थ्री माइनस थ्री। और ये किस तरीके से मैंने यहाँ पुट किए हैं, इनको आप माइंड में फीड कर लीजिए, और ऐसे ही फीड करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमको लेना है 25 में से हम ये माइनस थ्री करेंगे, तो जो नंबर्स आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब इसी 25 में प्लस थ्री करेंगे, तो जो नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 25 माइनस 3 तो हमारा आया 22। तो वी विल पुट हेयर 22 एंड 25, ये प्लस थ्री, 5 और 3 8, 2 का 2। तो वी विल 28 विल बी पुट हेयर। तो हमको एक इस तरीके से रो मिल गई। ठीक है, अब हम यहाँ शुरू करेंगे, इस 25 में प्लस वन करेंगे। तो एज यूजुअल यू नो, 25 प्लस वन 26, अब 25 माइनस वन विल बी 24। ओके, अब हमको ये नंबर्स आप मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, कि इन दोनों को प्लस कीजिए, और हमारा यहाँ बताया गया द टोटल ऑफ ईच साइड शुड बी 75। तो इन दोनों को प्लस करके हमको 75 में से माइनस करना होगा, जो माइनस कर आएगा वो हम नंबर्स यहाँ लिख देंगे। तो चलिए पहले इन्हें प्लस करते हैं, 26
28। अब ये 54 आया है, 26 और 28। अब इस 75 में से हमको ये 54 माइनस करना है, 74 माइनस 54। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो हमारे नंबर्स आए 21। तो हम 21 इस प्लेस पर पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, 21 से 29 तक हमारे नंबर्स इन नंबरों में से ही हमको चूज़ करके यहाँ सेट, इस तरीके से सेट करने हैं कि सबका एडिशन 75 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको लास्ट में करके बताऊंगी, 26 प्लस 21 प्लस 28 अभी करके बता देती हूँ, तो आपका आंसर 71 आएगा। चलिए शुरू करते हैं, 26, 21, 28। अब हम ये प्लस करेंगे, 6, 7, 7 और 8, 15, 15 का 5 कैरी हो गया 1, 2, 2, 2, 2, 6 और 1, 7। तो देखिए बच्चों, आंसर हमारा ये इन तीनों डिजिट का आंसर हमारा 75 आया। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। ये बोला गया है रूल, द टोटल ऑफ ईच साइड शुड बी इस 75, तो 75 हमारा टोटल आ गया। ऐसे ही अब हमको ये साइड करनी है, ये दोनों प्लस करके 75 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही ये दोनों प्लस करके 75 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये दोनों प्लस करके 75 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ट्वेंटी टू, ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स, फोर। अब इसको हम 75 में से माइनस करेंगे, 75, 46 माइनस, 5 में से नहीं जा सकता 6, कैरी करेंगे 15, 15 में से 6 गया 5, 9, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, तो ये आ गया हमारा नंबर 29। तो हम यहाँ पर 29 पुट कर देंगे। अब इनका एडिशन देखेंगे हम, ऐड करके 22, 29 और 24, ये हमने ये उतार लिए, इनका एडिशन हमने देखा, तो 6, 15, 6, 6 और 1, 7, तो ये हमारा आंसर आ गया 71। तो देखा हमने, इसका आंसर हमारा सेम आ गया 75। इसी तरीके से हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 75 में से माइनस कर देंगे। अब 48 को 75 में से माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4 गया 2, तो 27 आंसर आया। देखिए बच्चों, ये सारी डिजिट हमारी, ये सब 26, 21, 28, 27, 22, 29, 24, ये सब 21 से 29 तक की डिजिट के अंदर आ रही हैं। और ऐसे ही इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आया यहाँ पर 27। अब आपको मालूम है 27, ये दोनों जोड़ दो और 75 में से माइनस कर दो तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 27, 25 प्लस 7, 8, 12, ये हुआ 5, 52। तो ये हमारा आंसर आया 52।
तो अब इनको हम ऐड करेंगे, तो देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। 27, 25, 52। किड्स, ये हमारा 27, 25 इन दोनों को ऐड करेंगे तब 75 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 23। मैं आपको करके बताती हूँ, देखिए 27, 25 प्लस किया 52 आया। अब 52 को हम 75 से घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, तो ये आंसर हमारा आया 23। ठीक है, अब हम इस लाइन को ऐड करके दिखाते हैं, इन तीनों का आंसर 75 होगा। कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं हम 27, 25, 23। ये हमने 27, 25, 23 ये हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 5, 7, 7 और 5, 12 दोनों जलाओ बेटे लाइट, 12 और 3, 5, 15, 1 carry, 6 और 1 7। तो ये हमारा ये इक्वेशन भी हो गई हमारी इक्वल। तो बच्चों देखा आपने ये मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे इजी ट्रिक, यहाँ बस हमको यही करना है, +1, +3, -3, -1 या इस तरीके से देखो क्रॉस +1, -1, +3, -3 और फिर हम एक इक्वेशन दी होगी और उसी को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, मैथ की नई नई ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।